अगर आप भी एक 43 इंच 4K Android TV लेने का प्लान कर रहे हैं और आप कन्फ्यूज हैं iFalcon K31, Kodak TV, Mi TV, Motorola TV, Viu Premium Android TV और Viu Cinema TV में, तो इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम इन टीवी को फीचर्स वाइज कंपेयर करने वाले हैं और हम देखेंगे कि किस सेगमेंट में कौन सा टीवी बेटर है और कौन सा टीवी आपको लेना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं इंडियन टेक ट्यूब। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इन बॉक्स एसेसरीज में इन टीवीज में क्या क्या मिलता है। iFalcon K31 के अंदर हमें एक टेबल टॉप स्टैंड मिलता है, एक वॉल माउंट मिलता है, एक यूजर मैनुअल मिलती है, वारंटी कार्ड मिलता है और रिमोट कंट्रोल मिलता है। Kodak 43 4K Android TV के अंदर हमें एक वॉल माउंट मिलता है, टेबल टॉप स्टैंड मिलता है, रिमोट कंट्रोल मिलता है, यूजर मैनुअल मिलता है और 2 AAA पेंट्रीज मिलती हैं। Mi TV 4X के अंदर हमें एक टेबल टॉप स्टैंड मिलता है, रिमोट कंट्रोल मिलता है और एक यूजर मैनुअल मिलता है। इसके अंदर हमें वॉल माउंट नहीं मिलता। Motorola 4K TV के अंदर हमें एक वॉल माउंट मिलता है, टेबल टॉप स्टैंड मिलता है, रिमोट कंट्रोल मिलता है, एक यूजर मैनुअल मिलती है, 2 AAA बैटरीज मिलती हैं और इस टीवी के साथ में हमें गेम पैड मिलता है और उस गेम पैड को चार्ज करने के लिए एक USB केबल मिलती है। Viu Premium Android TV के अंदर हमें एक वॉल माउंट मिलता है, एक टेबल टॉप स्टैंड मिलता है, एक रिमोट कंट्रोल मिलता है, एक यूजर मैनुअल मिलती है और 2 AAA बैटरीज मिलती हैं। और Viu Cinema TV के अंदर भी हमें वही सब कुछ मिलता है जो कि हमें Viu Premium Android TV के अंदर मिलता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। iFalcon K31 TV के अंदर हमें 3840x2160 का रेजोल्यूशन मिलता है और इसके अंदर 60Hz का रिफ्रेश रेट है। हालांकि इस टीवी की ब्राइटनेस 270 निट्स के साथ थोड़ी सी कम है, लेकिन इस टीवी के अंदर एक अच्छी कॉन्ट्रास्ट आती है और इस टीवी के अंदर एक 10-bit IPS TLED पैनल आता है और इस टीवी के अंदर HDR10 और HLG का भी सपोर्ट है। दोस्तों, iFalcon K31 की जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी है वो अबव एवरेज है और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली है। तो चलिए हम बात करते हैं Kodak 43 4K Android TV की पिक्चर क्वालिटी के बारे में। तो इस टीवी के अंदर मिलता है हमें 3840x2160 का रेजोल्यूशन, 60Hz का रिफ्रेश रेट, लेकिन इस टीवी के अंदर जो ब्राइटनेस है वो है 500 निट्स, जो कि काफी अच्छी चीज है। और इसके अंदर हमें 5:1 का डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट मिलता है, कंपनी ने स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रिवील नहीं किया। और इसके अंदर हमें 10-bit VA ELED पैनल मिलता है जो कि HDR10, Dolby Vision और HLG तीनों को ही सपोर्ट करता है। इस टीवी के अंदर हमें MEMC का भी सपोर्ट मिलता है, तो इस टीवी के अंदर आपको अच्छी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट मिलती है, लेकिन VA ELED पैनल होने की वजह से अगर आप साइड से देखोगे तो आपको कलर शिफ्ट काफी ज्यादा दिखाई देंगे और साइड से पिक्चर उतनी अच्छी नहीं लगेगी। चलिए हम चलते हैं Mi TV 4X की तरफ। इसके अंदर हमें 3840x2160 का रेजोल्यूशन मिलता है, इसके अंदर भी 60Hz का रिफ्रेश रेट आता है, लेकिन इस टीवी की ब्राइटनेस 200 निट्स के साथ में काफी कम है और इस टीवी में कंपनी ने कॉन्ट्रास्ट रिवील नहीं किया है। लेकिन इस टीवी के अंदर जो अच्छी चीज है वो है 10-bit IPS DLED पैनल और ये टीवी HDR10 सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, आज हम जितने भी टीवी कंपेयर कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी के मामले में ये टीवी सबसे पीछे रह जाता है, लेकिन इस टीवी के अंदर और अच्छी बातें हैं जिनकी वजह से ये टीवी इस लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना पाया है। अगर हम बात करें Motorola 43 इंच 4K टीवी की, तो इसके अंदर भी आपको 3840x2160 का रेजोल्यूशन मिलता है, इसके अंदर भी आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है और इसके अंदर आती है 300 निट्स की ब्राइटनेस और इसके अंदर हम 1100:1 की स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट मिलती है। दोस्तों, ब्राइटनेस तो इसकी ओके है, लेकिन जो कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ी सी कम है और कभी कभी हमें फील होता है कि इसकी कॉन्ट्रास्ट थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए थी। हालांकि इसके अंदर 10-bit IPS TLED पैनल आता है तो उसकी वजह से आपको काफी अच्छे कलर्स मिलते हैं और ये टीवी HDR10 और Dolby Vision को सपोर्ट करता है और इस टीवी के अंदर आपको MEMC का भी सपोर्ट मिलता है। अगर हम बात करें Viu Premium Android TV की, तो इसके अंदर भी हमें 3840x2160 का रेजोल्यूशन मिलता है, टीवी के अंदर भी 60Hz का रिफ्रेश रेट है, लेकिन इसके अंदर जो ब्राइटनेस है वो काफी अच्छी है, 400 निट्स की ब्राइटनेस और 1:1 की डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट। दोस्तों, कंपनी ने स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रिवील नहीं की है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट है वो काफी अच्छी है। हालांकि इसके अंदर सिर्फ 8-bit VA DLED पैनल आता है, लेकिन फिर भी जो इसके कलर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। ये पैनल HDR10, Dolby Vision और HLG तीनों को ही सपोर्ट करता है। और अगर हम बात करें Viu Cinema TV की, तो इसके अंदर भी हमें Viu Premium Android TV जैसा ही पैनल मिलता है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस 500 निट्स है और इस टीवी के अंदर हमें VA पैनल की जगह एक 8-bit IPS DLED पैनल मिलता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ऑडियो की। iFalcon K31 के अंदर हमें मिलते हैं 20W के बॉक्स स्पीकर्स जो कि Dolby Audio MS12 को सपोर्ट करते हैं।
कोडेक 43 4K एंड्रॉयड टीवी के अंदर हमें 30 वॉट के बॉक्स स्पीकर्स मिलते हैं और इसके अंदर डॉल्बी ऑडियो और DTS ट्रू सराउंड साउंड का सपोर्ट है। अगर हम बात करें मी टीवी 4X की तो इसके अंदर आते हैं 20 वॉट के बॉक्स स्पीकर्स जो कि डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करते हैं। और अगर हम बात करें मोटोरोला 4K टीवी की तो इसके अंदर आपको 20 वॉट के फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं जो कि डॉल्बी ऑडियो और DTS ट्रू सराउंड साउंड को सपोर्ट करते हैं और ये टीवी काफ़ी लाउड हो जाता है, हालांकि इसके अंदर बेस की कमी रह जाती है। अगर हम बात करें वी यू प्रीमियम एंड्रॉयड टीवी की तो इसके अंदर मिलते हैं हमें 24 वॉट के बॉक्स स्पीकर्स और इसके अंदर भी डॉल्बी ऑडियो MS12 का सपोर्ट है। अगर हम बात करें वी यू सिनेमा टीवी की तो इसके अंदर मिलते हैं हमें वूपिंग 40 वॉट बॉक्स स्पीकर्स जिनके अंदर डॉल्बी ऑडियो MS12 का सपोर्ट है और इस टीवी की ऑडियो क्वालिटी इन सारे टीवी से अच्छी है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशंस की तो iFalcon K31 के अंदर हमें मिलता है M-Logic 64-bit A55 आर्किटेक्चर वाला क्वाड कोर प्रोसेसर जो कि 900 मेगाहर्ट्ज से 1.1 गीगाहर्ट्ज के बीच में क्लॉक्ड है और इसके अंदर माली 470 MP3 GPU आता है, 2GB रैम आती है और 16GB स्टोरेज आती है। अगर हम बात करें कोडेक 43 4K एंड्रॉयड टीवी की तो इसके अंदर MediaTek का A53 आर्किटेक्चर वाला 1GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर आता है, माली 450 MP4 GPU मिलता है, रैम 1.75GB है और स्टोरेज 8GB। तो दोस्तों इस टीवी का जो GPU है वो क्वाड कोर है और ये 3-कोर GPU से बेटर परफॉर्म करता है। और अगर हम बात करें मी टीवी 4X की तो इसके अंदर हमें मिलता है M-Logic का Cortex A53 आर्किटेक्चर वाला क्वाड कोर प्रोसेसर, माली 450 MP3 GPU, 2GB रैम मिलती है और 8GB स्टोरेज मिलती है। और अगर हम बात करें मोटोरोला 4K टीवी की तो इसके अंदर भी हमें A53 आर्किटेक्चर वाला 1GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है, माली 450 MP4 GPU मिलता है और 2.25GB रैम और 16GB स्टोरेज मिलती है। और अगर हम बात करें वी यू प्रीमियम एंड्रॉयड टीवी की तो इसके अंदर A55 आर्किटेक्चर वाला क्वाड कोर प्रोसेसर आता है जो कि 1.4GHz पे क्लॉक्ड है, तो इसका जो CPU है वो इन सारे टीवी में सबसे पावरफुल है, लेकिन इसका जो GPU है माली 470 MP3 वो मोटोरोला और कोडेक के क्वाड कोर GPU से पीछे रह जाता है। इस टीवी के अंदर भी हमें 2GB रैम और 16GB स्टोरेज मिलती है। और अगर हम बात करें वी यू सिनेमा टीवी की तो इसके अंदर भी हमें A55 आर्किटेक्चर वाला क्वाड कोर CPU मिलता है जो कि 1.2GHz पे क्लॉक्ड है और इसके अंदर हमें माली 470 MP3 GPU मिलता है, 2GB रैम और 8GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। और अगर हम बात करें कनेक्टिविटी ऑप्शंस की तो iFalcon K31 के अंदर हमें 1 USB 2.0 पोर्ट मिलता है, 2 HDMI, HDMI ARC का सपोर्ट, 1 LAN पोर्ट, सिंगल बैंड वाईफाई, SPDIF पोर्ट, हेडफोन जैक और ब्लूटूथ 4 मिलता है, लेकिन इस टीवी के अंदर हमें ऑप्टिकल आउटपुट नहीं मिलता और इसके अंदर डुअल बैंड वाईफाई भी नहीं है। अगर हम बात करें कोडेक 43 4K एंड्रॉयड टीवी की तो इसके अंदर हमें मिलता है एक USB 2 पोर्ट, एक USB 3 पोर्ट, 3 HDMI पोर्ट, HDMI ARC का सपोर्ट, LAN पोर्ट, सिंगल बैंड वाईफाई, एक ऑप्टिकल आउटपुट और ब्लूटूथ 5। इस टीवी के अंदर भी हेडफोन जैक नहीं है और डुअल बैंड वाईफाई नहीं है। और अगर हम बात करें मी टीवी 4X की तो इस टीवी के अंदर हमें मिलते हैं 2 USB 2 पोर्ट्स, 3 HDMI, HDMI ARC का सपोर्ट, 1 LAN पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई, SPDIF पोर्ट, ब्लूटूथ 4.2 और हेडफोन जैक। इस टीवी के अंदर ऑप्टिकल आउटपुट नहीं आता। और अगर हम बात करें मोटोरोला 4K टीवी की तो इसके अंदर मिलता है हमें 1 USB 2 पोर्ट, 1 USB 3 पोर्ट, 3 HDMI, HDMI ARC का सपोर्ट, 1 LAN पोर्ट, सिंगल बैंड वाईफाई, ऑप्टिकल आउटपुट और ब्लूटूथ 4.2। इस टीवी के अंदर भी हेडफोन जैक नहीं आता और इसके अंदर सिर्फ सिंगल बैंड वाईफाई है। और अगर हम बात करें वी यू प्रीमियम एंड्रॉयड टीवी की तो इसके अंदर हमें 2 USB 2 पोर्ट मिलते हैं, 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं, HDMI ARC का सपोर्ट है, 1 LAN पोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई है, हेडफोन जैक है, ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट है और इसके अंदर ऑप्टिकल आउटपुट भी प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें वी यू सिनेमा टीवी की तो इसके अंदर हमें मिलते हैं 2 USB 2 पोर्ट्स, 3 HDMI, HDMI ARC का सपोर्ट, 1 LAN पोर्ट, सिंगल बैंड वाईफाई, हेडफोन जैक, ब्लूटूथ 5 और ऑप्टिकल आउटपुट, लेकिन इस टीवी के अंदर डुअल बैंड वाईफाई नहीं आता। और अगर हम इन सारे टीवीज के रिमोट को देखें तो iFalcon K31 का जो रिमोट है वो काफी हैंडी है, लेकिन उसके अंदर मीडिया प्ले पॉज के बटन मिसिंग है। और अगर हम बात करें कोडेक टीवी के रिमोट की तो वो बिल्कुल मोटोरोला के टीवी जैसा ही है और इन दोनों ही रिमोट्स के अंदर सारे ही बटन प्रेजेंट्स हैं और आपको किसी भी बटन की कोई कमी महसूस नहीं होगी। अगर हम बात करें मी टीवी 4X के रिमोट की तो इन सारे रिमोट्स में से सबसे छोटा रिमोट है, लेकिन इस रिमोट के अंदर कुछ बटन्स मिसिंग हैं और अगर वो बटन्स प्रेजेंट होते तो ये इन सब में से सबसे बेस्ट रिमोट हो सकता था। और वी यू प्रीमियम एंड्रॉयड टीवी के अंदर काफ़ी सारी हॉटकीज आती हैं, लेकिन मीडिया प्ले पॉज के बटन इसके अंदर भी मिसिंग है। वी यू सिनेमा टीवी के रिमोट के अंदर
सारे ही बटन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जो बटन्स के ऑर्डर है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। मीडिया प्ले पॉज के जो बटन है वो नीचे की साइड होने चाहिए, जबकि इन्होंने ऊपर की साइड दिए हुए हैं। वहां तक अपने थंब को ले जाना एक काफी बड़ी एक्सरसाइज है। तो दोस्तों, मेरा जो फेवरेट रिमोट है वो है ये। अगर इसके अंदर म्यूट बटन और मीडिया प्ले पॉज के बटन आ जाएंगे तो ये रिमोट सबसे अच्छा है। तो चलिए हम इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। और इन सारे टीवी में बेस्ट पिक्चर क्वालिटी का विनर है व्यू सिनेमा टीवी, और बेस्ट ऑडियो क्वालिटी भी व्यू सिनेमा टीवी की ही है। लेकिन अगर हम बेस्ट हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पर मोटोरोला टीवी और कोडेक के बीच में टाई हो जाता है। और अगर हम बेस्ट कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर विनर है व्यू प्रीमियम एंड्रॉयड टीवी। दोस्तों, जो हमारा ओवरऑल विनर है वो है व्यू सिनेमा व्यू प्रीमियम एंड्रॉयड टीवी। हालांकि व्यू सिनेमा टीवी ऑडियो और पिक्चर क्वालिटी में सबसे बेस्ट है, और अगर आप एक बेसिक यूजर हो तो आपको व्यू सिनेमा टीवी ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आप एक एडवांस यूजर हो तो व्यू सिनेमा टीवी के अंदर आपको स्टोरेज कम मिलती है और कनेक्टिविटी में डुअल बैंड वाईफाई नहीं है, तो आपको व्यू प्रीमियम एंड्रॉयड टीवी लेना चाहिए। और इसीलिए हमारा जो ओवरऑल विनर है, जो सबसे बैलेंस्ड टीवी है, वो है व्यू प्रीमियम एंड्रॉयड टीवी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।